Welcome back once again, and today we are solving second question of 5.1 exercise, that is of AP. And on previous video I had gave you detailed explanation of question number 1. Even it was not required, even then I had provided you conceptual understanding of that question ki aapko samajh mein aaya. Otherwise wo question hardly 10 second ya 15 second wala hai, aur orally question hai. Even then I had provided you so that I am able to make you understand each and everything of एपी, क्योंकि प्रिपरेशन धीरे धीरे और उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तेजी से सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन. आपको ए दे रखा है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. आपको ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है 10, और डी दे रखा है 10. आपको क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी निकालनी है. फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी निकालनी है, मतलब आपको A1, A2, A3, A4 ये निकालना है. आपको पता है कि अगर मैं AN या TN कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे निकालता हूं, मतलब फर्स्ट टर्म में मैं क्या जोड़ता हूं, N-1D करके जोड़ता हूं. N क्या होता है, N को जब मैं 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, A1 मिल जाएगा. तो A1 कैसे मिलेगा, मैं 1 रख के देखता हूं. अच्छा, तो यहाँ पे A1 है क्या, यहाँ पे A1 है 10, और D क्या है, तो A1 से आप कंफ्यूज मत हो, A1 ही A है, A1 ही लगभग A ही होता है, बाकी क्वेश्चन में होगा तो दिखा दिया जाएगा आपको. ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म होगा, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर A1 मैंने ये रख, A1 को 10 रख दिया या A1 को A रख दिया, तो क्या मेरे पास हो गई, A1 मेरे पास हो गई A+N-1, मतलब 1-1 कॉमन डिफरेंस डी, तो मेरे पास ये आ जाता है, A1 ही आ जाता है. अगर मैं A n को 2 पुट करता हूं, A को 2 पुट करता हूं, तो मेरे पास A2 क्या आ जाएगा, A2 मेरे पास आ जाएगा A n की जगह क्या पुट करूंगा मैं 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा A+B. ऐसे ही अगर मैं 3 पुट करूंगा तो मेरे पास A3 क्या आ जाएगा, आप खुद कैलकुलेट करके देखना, A+ 2D, और A4 मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं 4 पुट करता हूं तो A4 मेरे पास आ जाएगा A+3D. ये आप खुद कैलकुलेट करके देखना. तो मेरे पास एपी जो मिली, जो मेरे पास एपी बनी वो क्या बन गई, मेरे पास जो एपी बनी वो क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूं क्या बन गई मेरे पास, A+0D, A+D, A+2D, A+3D. ये यही चीज लिखी है, ये इसी इक्विवेलेंट ही है. अगर मैं वैल्यू रखूंगा, मैं अलग वैल्यू रख के भी निकाल सकता हूं और ऐसे भी निकाल सकता हूं. तो A को जब मैंने 10 रखा, ये तो 0 ही हो गया. अच्छा, A को 10 रखा, B को भी 10 रख सकता हूं. अच्छा, A को मैंने 10 रखा और 2 क्या रखा, 2×10. फोर्थ को मैंने क्या रखा, 10+3×10. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 40. ये मेरे पास एपी बन गई, ये मेरे पास एपी बन गई. अब आप लोग बोलोगे कि मैंने सॉल्व क्यों, मैंने ऐसे कैसे कर दिया. मैंने आपको लिख के दिखाया है कि जो एपी होती है हमारी हमेशा इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है, और इस फॉर्म में मैंने वैल्यू रख दी. अदरवाइज मैं यहां वैल्यू रख के भी निकाल सकता था, A की 10 रखता और ये 0 तो है, तो ये मेरे पास 10 आ चुकी थी. अच्छा, मैं यहां पे निकाल सकता था, तो ये 10 थी और ये 10 कितनी हो गई, 20. मैं यहां रखता तो आ जाती 30, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता. अभी आपने देखा, अब मेरे पास वैल्यू क्या, एपी क्या है, एपी मेरे पास क्या है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है. मैंने दोनों तरीके से आपको करना बता दिया है क्या होता है. तो इसको मैं डालता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, जैसे आपको करना है. ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल तरीके से. अगला क्वेश्चन, हमको ए दे रखा है क्या, आपकी स्क्रीन पे ए दे रखा है -2, और डी दे रखा है जीरो. हमको पता है जब ये होता है तो A1 क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से A1 क्या होता है, A1 होता है मेरे पास, A1 होता है A+
जीरो डी ए टू क्या होता है, बस देखा। अब आप बोल रहे थे वन डी मान लिख सकते हैं, टू डी और ए फोर क्या होगा, ए प्लस थ्री डी। वैल्यू पुट की, डी जीरो है तो ये पार्ट सब में जीरो हो गया, ये पार्ट सब में जीरो हो गया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि डी क्या है, डी जीरो है। तो अब ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। अब देखो ये एपी नहीं है, सीक्वेंस तो है, तो हमें जो सीक्वेंस क्या मिला, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो ये देखो क्या हमें एपी मिल गई, तो रिक्वायर्ड एपी क्या मिल गई, एक मिनट, रिक्वायर्ड एपी क्या, रिक्वायर्ड एपी क्या मिल गई, रिक्वायर्ड एपी मिल गई, देखो रिक्वायर्ड एपी तो होगी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, क्या मिल गई एपी में, जो रिक्वायर्ड एपी माइनस टू माइनस टू। ये तो एपी है ही नहीं भाई, ये तो एपी, ये तो बराबर नंबर लिखे हैं, ये एपी कैसे हो सकती है, ये एपी हो सकती है, ये एपी ही है, कोई दो नंबर जोड़ के, दो नंबर उठाओ कॉन्जिक्यूटिव माइनस करके देखो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? आपने कोई से भी दो नंबर उठाओ, कोई से भी दो नंबर उठाओ, उनका डिफरेंस निकालो, उनका डिफरेंस क्या इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर जीरो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जीरो है कि नहीं, देखो मैथ कभी फेल नहीं होती, मैथ कभी फेल नहीं होती, प्रूव होता है उसका, यहाँ डी जीरो है तब भी ए पी है, इसलिए मैं आपका टेस्ट ले रहा था। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ए दे रखा है फोर, ए दे रखा है फोर और डी दे रखा है क्या, डी दे रखा है माइनस थ्री। तो अब मैं जल्दी करूंगा, ए वन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस जीरो डी दैट इज फोर माइनस जीरो दैट इज फोर, ठीक। ए टू की बात करता हूं तो ए प्लस वन डी मतलब फोर, वन इंटू माइनस थ्री ये आएगा वन। अच्छा ए थ्री की बात करता हूं, ए प्लस बी कितना टू के साथ, तो ए कितना है फोर, टू इंटू माइनस थ्री ये कितना आएगा, यहां लिखता हूं ताकि स्पेस ना खराब हो, कितना आएगा माइनस टू। अच्छा फोर की बात करता हूं तो ए प्लस थ्री डी कितना आ गया, फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री दैट इज माइनस फाइव। तो हमारे पास जो एपी मिली क्या मिली, एपी मिली क्या मिली, फोर वन माइनस टू माइनस फाइव, ये भी एपी है। अब आप सोच रहे होंगे इसके टर्म तो उल्टे पड़ रहे हैं, देखो बेटा मैथ्स में आप इंटीजर पढ़ चुके हो, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जब कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कम होता चला जाएगा, तो एक कम होता जा रहा है, देखो इसका डिफरेंस भी तीन है, इसका डिफरेंस भी तीन है, इसका डिफरेंस भी तीन है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ कैंसिल होता है। अब मैं फोर्थ पार्ट डायरेक्ट करूंगा, फोर्थ पार्ट क्या है, ए मेरा माइनस वन है, फोर्थ मेरा ए माइनस वन है और डी क्या है, डी है मेरा हाफ, डी है मेरा हाफ, तो जब हाफ माइनस हाफ है यहाँ पे हाफ है हाफ, तो ए वन फॉर्मूला यही लगा हुआ है, ए वन क्या हो गया, ए वन डी जीरो पुट करना पड़ेगा तो ए वन तो इतना ही आएगा। ए टू की बात करते हैं, ए टू की बात करते हैं, माइनस वन प्लस वन इंटू यही होगा, देखो तो क्या हो गया, माइनस वन माइनस वन बाई टू ये क्या आ जाएगा, माइनस थ्री बाई टू, ठीक। ए थ्री की बात करते हैं, ए थ्री का फॉर्मूला क्या लिखा है, माइनस वन प्लस टू इंटू, अरे ये माइनस वन, माइनस वो ले लिया सॉरी, ये माइनस वन नहीं मिलती, ये वन, ये पॉजिटिव का ही है सॉरी, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये पॉजिटिव का है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो जब ये पॉजिटिव रहेगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का हाफ, ठीक, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। ओके सो वन लिया, इससे ये कट गया, वन हो गया, ये अगेन टर्म आ गया जीरो। ए फोर की बात की तो ए फोर, ए माइनस वन थ्री इंटू हाफ, तो मतलब माइनस वन प्लस थ्री बाय टू, मतलब क्या आएगा हाफ। तो एपी क्या मिल गई, इस केस में मुझे एपी मिल गई है, क्या मिल गई है, पहला हो गया माइनस वन, उसके बाद हो गया माइनस हाफ, उसके बाद हो गया जीरो, उसके बाद हो गया टू, ये मुझे एपी मिल चुकी है। अब मैं फिर
फिफ्थ पे आगे बढ़ता हूँ, फिफ्थ पार्ट पे आगे बढ़ता हूँ, तो फिफ्थ में केवल जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वही मिटालूंगा मैं, इस तरफ वाली चीज़ मिटालूंगा, बाकी चीज़ें नहीं मिटालूंगा, ये चीज़ मिटालूंगा मैं। तो यहाँ बात करते हैं, तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट में ए क्या है, फिफ्थ पार्ट में जो ए है हमारा वो है 1.25 और डी क्या है। अब देखो क्वेश्चन लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो A1 में तो D जीरो ही होता है, A1 में तो D जीरो ही होता है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, यही आएगा। जब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे हमने क्या रखा, -1.25 प्लस 1 इंटू क्या है, -5 तो है, तो ये तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो गया आ जाएगा -1.50, भाई ऐड हो गया ना, ऐड करना भी नहीं आता, अच्छा इसकी बात करते हैं, तो -1.25 प्लस 2 इंटू क्या, माइनस का 0.5 क्या बोलोगे सर, जीरो का आ गया, टेंथ में हो गया, कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2.5 प्लस माइनस, प्लस माइनस हो गया, क्या आ गया 50 ऐड करेंगे क्या आएगा भाई, अगर बच्चों ऐड नहीं आता तो भाई मामला काफी गड़बड़ है, ठीक है। ये मिल गया। फोर्थ की बात करें तो ए क्या है मेरे पास, 1.25 प्लस 3 इंटू और माइनस का 0.25 क्या हो गया, 1.25 ये क्या हो गया 75, ऐड किया क्या जाएगा, माइनस का 2.0 लिखने, वो लोग सर पॉइंट नहीं लगाया। तो एपी क्या मिला मेरे पास, एपी क्या मिला, एपी का पहला टर्म मेरे पास एपी क्या मिला, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म क्या मिला, तीसरा टर्म क्या मिला, चौथा टर्म क्या मिला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट तरफ बढ़ते हैं, तो ये हो गया रिक्वायर्ड एपी हो गया, ठीक है। टफ कोई टफ नहीं है, आगे आना शुरू होगा टफ, तो आगे यही बस चैप्टर में यही है, यही खत्म हो गया, अब आपके ऊपर इसमें क्या है कठिनाई आना शुरू होगी, बस और कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब देखते हैं क्या थर्ड पार्ट, हमको एपी दे रखी है, हमको एपी दे रखी है क्या, हमको पहले बता रखा है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमको एपी पहले दे रखी है, क्या एपी दे रखी है, 3, 1, -1 और ये इनफाइनाइट है, किसमें, जिसमें ये लंबी सीरीज है, तो हम मान सकते हैं लेट A1 क्या है 3, A2 क्या है 1, A3 क्या है -1 और A4 क्या है, तो लेट A1 equal 3 इज बी द फर्स्ट टर्म, देखो फर्स्ट टर्म तो मान ली, फर्स्ट टर्म पूछा गया है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, अच्छा क्योंकि एपी है, सिंस फॉर एपी डी इक्वल टू क्या 2 माइनस, ये तो चेक करने के लिए बोला नहीं गया है कि एपी है, दे रखा है एपी पहले से ही है, तो हमने क्या है 3 में क्या है 1 में से क्या घटा दिया 3 घटा दिया, क्या आ गया -2 क्या आ गया इसका, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। आप अगर दूसरा चेक करना चाहें दूसरा चेक कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड पार्ट तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो हो गया मेरे पास A1, बात करूं तो A1 क्या हो गया मेरे पास, A1 हो गया मेरे पास -5 और अगर D की बात करूं तो D की बात D क्या हो गया -1 -5 क्या आंसर आ गया -1 + 6 दैट इज व्हाट 5, ठीक है, प्लस का 5 क्या हो गया मेरे पास कॉमन डिफरेंस। अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है क्या है 1/3 फर्स्ट टर्म क्या हो गया A1 क्या हो गया 1/3 और अगर D की बात करता हूँ तो A2 में से 5/3 में से 1/3 माइनस किया क्या आ गया 4/3 फोर की बात करता हूँ ये एपी दे रखा है चेक करने के लिए बोला गया होता तो हम डी चेक करते हैं इसमें बोला गया है फॉर द फॉलोइंग एपी ये एपी है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये क्या हो गया इस फर्स्ट टर्म ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म 0.6 हो गया फर्स्ट टर्म हो गया और डी क्या हो गया डी मेरे पास क्या हो गया डी क्या हो गया 1.7 माइनस क्योंकि एपी दे रखी है अगर चेक करना होता तो हम क्या है दो
डी निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई टोल्ड यू। ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आप वीडियो देखते रहें, मेहनत करते रहें। होप यू विल एंजॉय द सेशन। बाय बाय।